Kutumbam Yachami Anugraham Tatva Silam Deva Medhante Dudyanti Ukasa Ahambhante Trisarnena Sahapancha Silam Dhamvam Yachami Anugraham Katva Silam Deva Medhante Tatyampi Okasa Ahambhante Trisarnena Sahapancha Silam Dhamvam Yachami Anugraham Katva Silam Deva Medhante Yamaham Vadam Hitam Vadeta Ambhante Samotas Bhagavato Arahato Samma Sambuddhas Namo Tas Bhagavato Arahato Samma Sambuddhas Bhutasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Buddham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sumicca Chara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kame Sumicca Chara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Suramiraya Majjhapama Dattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Suramire Maja Pamadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sadhu, sadhu, sadhu Tisaranena Saddhim Panchasilam Dhammam Sadhukam Surakkitam Katva Apamadena Sampadetu Sadhu, sadhu, sadhu. Sitarhadyam Payapajot Vihatamahatamam Sarviramani Lokakaram Vande Sugatam Gati Vimuktamam Tatha Jitka Hirdaya Karudasi Sitar hai Jinhone Sansar ke Andhikar ko Naash kiya Us Loka Guru भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करता हूं
इसी प्रकार हम राजा सम्राट अशोक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को जिन्होंने देश में संतानमूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया, उनके प्रति अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। मंजा से परम पूज्य भिक्खु संघ है, कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य भिक्खु संघ है, श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को अपनी ढेर सारी मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं कि आपने इस उपेक्षित बड़े बौद्ध स्थल को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया है। बंधुओं, एक समय भारतवर्ष बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। भगवान बुद्ध ने यहीं पर जन्म ग्रहण किया, यहीं पर सम्यक संबोधि की प्राप्ति की, यहीं पर धर्म चक्र चलाया और यहीं पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उनके द्वारा उपदेश सद्धर्म का अभ्यास कर कोटि कोटि प्राणियों ने अपने जीवन का उद्धार करते हुए इस महान धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिए थे। धर्म राजा सम्राट अशोक आज धार्मिक राजाओं के शासन काल में भारत वसुंधरा भिक्षुओं के कासाय वस्त्रों की प्रसिद्ध आवास से सदा प्रवासित रहती थी। स्थान स्थान पर बुद्ध विहार, स्तूप, शिलालेख, धम्म स्तंभ आदि स्थापित थे। समस्त भारत में शील समाधि का प्रज्ञा का अभ्यास होता था। लोग एक दूसरे के साथ करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा का व्यवहार करते थे। जैसे बंती जी ने बताया कि जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व कहते हैं, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पे परिवर्तन हुआ। ब्रह्मी शताब्दी के अंत तक भारत के अधिकांश भाग बौद्धों से सुन्न होने लगे। उसके बाद एक ऐसी विनाशकारी वायु चली कि बौद्धों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। लुम्बनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुर, सिरपुर आदि हमारे धर्म स्थल और शिक्षा के केंद्र सब ध्वंसित कर लिए गए। संयोग से जो भी कुछ इस देश में बचा उस पर इस देश के बेमान इतिहासकारों ने दूसरों का नाम लिख दिया। लंबे समय तक ये भारत बुद्ध धर्म का, भगवान बुद्ध के धर्म के रक्षकों का इंतजार कर रहा था। समय ने फिर पलटा खाया। सन 56 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की पावन धरती पर इस देश में जाति व्यवस्था के तहत दबाए गए, सताए गए, मिटाए गए लोगों के साथ लाखों की संख्या में धर्म परिवर्तन किया। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से
इस व्यवस्था में जो भी लोग जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में सताए गए थे, सताए गए दबाए गए लोग थे, जो सत्ता मूलक समाज में अपने विश्वास रखते हैं, वो लोग पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित होकर के जगह जगह धम्म दीक्षा का आयोजन किया। आज हम लोग इस देश में जहां भी कहीं जाते हैं, चाहे जिस जिले में जाए, चाहे किसी भी स्टेट में जाए, किसी भी राज्य में जाए, देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं दिखता जहां आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरणा से भगवान बुद्ध के मानने वाले न हो। आज पूरे देश में शिक्षक संस्थाएं स्थापित हो रही हैं। आज पूरे देश में लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार हो रहे हैं, और जैसे जैसे इस देश में धर्म क्रांति नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।